तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है कि एक अच्छा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक कहता है, सिंपल पेंडुलम इज सस्टेंड फ्रॉम द सेलिंग ऑफ द कार टेकिंग टर्न ऑफ रेडियस 10 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 36। देखो, रेडियस जो है कार है वो 10 मीटर की रेडियस में टर्न ले रहा। अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो हमें ये सब डेटा मिलेगा, ठीक है। और जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर है यार। तो 36 किलोमीटर अगर पर आवर है तो 5/18 से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से टर्न ले रहा, ठीक है ना। तो ये स्पीड है और ये रेडियस है। इफ़ द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग द पेंडुलम इज वर्टिकल, इफ द एंगल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द, इतने स्पीड से जी की वैल्यू आपको कितना लेना है भाई? जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आपको थीटा निकालना है, ठीक ना। थीटा क्या है भाई? सिंपल पेंडुलम का वर्टिकल से एंगल है। पहले तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा 1 मिनट रुको और विजुअलाइज करो रियल लाइफ में। देखो, जब एक हॉरिजेंटल जब कार्ट एक्सलेट होता था तो जो सिंपल पेंडुलम था वो एक्सलेशन के अपोजिट, एक्सलेशन इधर था और एक्सलेशन के अपोजिट थीटा डिग्री पे जाके रुक जाता था, तो हम थीटा कैलकुलेट कर लेते थे। उसी तरह तो ये कहानी कहाँ थी यार? ये कहानी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन पर था। स्ट्रेट लाइन पे क्या रखता था? नेट एक्सलेशन के अपोजिट जो है सिंपल पेंडुलम एक सूडो फोर्स फील करता था एम में, और वो ऐसे जाके रुकता था। तो आई होप कि आप किए होंगे। तो उसी तरह से जब सर्कल में मुड़ेगा, ठीक ना, ये गाड़ी है और यहाँ पर मुड़ना है उसको, तो सिंपल पेंडुलम जो है वो ऐसे वर्टिकल से नहीं रहेगा, ठीक ना। बात समझ में आई? सिंपल पेंडुलम ऐसे वर्टिकल नहीं रहेगा। सिंपल पेंडुलम जो है वो वर्टिकल से, ध्यान देना ये वर्टिकल वाली लाइन है, वर्टिकल से अगर ये सर्कल है तो वर्टिकल से थीटा डिग्री पे जाके टर्न लेगा, ऐसे पीछे रहेगा यहाँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है यार? वर्टिकल से पीछे रहेगा यहाँ पे, ये यहाँ रहेगा कहीं सिंपल पेंडुलम, और ये सेंटर होगा और ऐसे कार टर्निंग ले रही होगी। तो ऐसे कार टर्निंग ले रही होगी और सिंपल पेंडुलम वर्टिकल से थीटा डिग्री पर ऐसे रहेगा भाई, ठीक है ना। अगर ऐसे कार टर्निंग ले रही है तो सिंपल पेंडुलम ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल से थीटा डिग्री पर इधर पीछे आएगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, तो ऐसे कुछ ऐसे ये वाला चीज़, ठीक है। तो अगर वर्टिकल से थीटा डिग्री पे आ रहा, तो कुल मिला के इसको इधर इधर की डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर फील करेगा। तो इसको बैलेंस कौन करेगा? तो इसको बैलेंस करेगा, टेंशन इधर आएगा तो टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, और टेंशन का एक कंपोनेंट टी साइन थीटा इसको बैलेंस करेगा और एम जी नीचे लगेगी, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से यहाँ बनाते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखो, अगर यहाँ 2D व्यू डायग्राम देखोगे तो सिंपल पेंडुलम, जो सिंपल पेंडुलम है, तो कार अब ऐसे, ठीक ना, ऐसे वर्टिकल से थीटा डिग्री पर आई। तो वर्टिकल से अगर थीटा डिग्री पे आ रही, तो अभी कार ऐसे टर्निंग ले रही होगी, ठीक है, ऐसे टर्निंग ले रही होगी, इस हिसाब से ऐसे इस सर्कुलर पाथ में ऐसे टर्निंग ले रही होगी कार, समझ रहे। तो ये पीछे आएगा। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से मैं फील करा दे रहा हूँ। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल में ऐसे कार मुड़ रही होगी, ये यहाँ पर अभी कार होगी, ठीक है ना, ये अपनी कार यहाँ पर होगी और आगे इधर जा रही है, ठीक है। तो आई होप कि सिंपल पेंडुलम वर्टिकल से थीटा डिग्री पर होगा। तो चलो, तो सबसे पहले फोर्सेस देखो। तो अगर ये एंगल थीटा है तो टेंशन का तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा टी, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो टेंशन का एक कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस थीटा, और टेंशन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ जाएगा जो होगा टी साइन थीटा, ठीक है। और सेंटर के अपोजिट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो ये वाली जो चीज़ है वो मतलब टी साइन थीटा को बैलेंस, और वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी। तो ये चार फोर्सेज इस पेंडुलम को मिला के रेस्ट में रखे होंगे, ठीक है ना। तो चलो बैलेंस कर दो अब इनको, थोड़ा सा रुको और विजुअलाइज करो अपने आप को कि मैं क्या बोला हूँ, उस पर समझने की कोशिश करो। तो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर लेगा? वेट एम जी को, और टी साइन थीटा जो प्रोवाइड कर देगा वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर ग्राउंड से देखोगे तो,
और नहीं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा उसके फ्रेम से देखोगे तो ये दो इक्वेशन बन गए। अब हम लोगों को क्या चाहिए बोलो, हम लोगों को प्यारे बच्चों चाहिए कि यहाँ पे थीटा कितनी होनी चाहिए। तो चलो डिवाइड कर देते हैं, तो सेकेंड में अगर डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड सेकेंड बाई फर्स्ट, तो सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपर आर जी। तो ये यहाँ से वी की वैल्यू देखो कितने से मुड़ रही थी, तो ये 10 था और रेडियस कितना था, 10 था, सारा 10 10 था। तो ये यहाँ से आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 और ये आ जाएगा रेडियस भी 10 जी भी 10, तो कुल मिला के 1 आ जाएगा। तो फाइनली जो मुझे सोल्यूशन दिख रहा है वो आ रहा है यहाँ से, टेन थीटा की वैल्यू अगर 1 आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। ठीक है, तो जो सिंपल पेंडुलम है वर्टिकल से 45 डिग्री पे जाके रुकेगा, अगर गाड़ी भी स्पीड से ऐसे आ रही है तो सिंपल पेंडुलम इधर आएगा। तो आई होप कि अच्छे से आपको फील आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कि बच्चे हमें लाइक करते हैं, बहुत सारे बच्चे, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको बहुत थैंक यू बोलता हूँ। प्यारे बच्चों, तो अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो।